बड़ा हाउस बना लाहौरियों का फेवरेट तफरीही पॉइंट, बच्चे बड़े सब खूब महजूज होते रहे। आपको ये भी बताएं कि गवर्नर हाउस में मौजूद हैं एक बुजुर्ग जोड़े के साथ हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा, उनसे मजीद जान लेते हैं। दुआ बताइए कि इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हर इतवार की तरह आज भी गवर्नर हाउस लाहौरियों के लिए खुला हुआ और लाहौरियों के अलावा मुख्तलिफ शहरों से लोगों की बड़ी तादाद ने यहाँ का रुख किया है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे तो बहुत खुश हो रहे हैं और मुख्तलिफ स्कूलों का ट्रिप भी आया हुआ है, लेकिन आज हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे जोड़े से जो कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं। रंका का कहना है कि 1995 में ये यहाँ पर नून लीग के साथ आए थे और आज दोबारा अपनी बीवी के साथ आए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अंकल, बताइएगा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मेरी बीवी को बहुत पसंद आया, बहुत बेटी आएगी उसको भी लेकर आऊंगा बहुत नगर से। इसने तो बहुत देखकर बहुत खुश है, गाड़ी में सैल की है, सब कुछ देखा इसने। अंकल कुछ खिलाया भी आंटी? आंटी यहाँ क्या बाहर खिला कर लाएं, यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ बाहर खिलाएंगे, होटल पर ले जाकर खिलाएंगे उसको। आंटी की शिकायतें तो खत्म हो गई होंगी? हो गई होगी शिकायतें, खुद बहुत कहती है मुझे सैल कराओ महीने से। मैं चलो लेकर चलते है, बहुत सैल कर। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत एहसास है कि उम्र के इस हिस्से में भी ये दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं और सबकी तवज्जो का मरकज भी बने हुए हैं। मजीद भी बात कर लेते हैं। अच्छा आप बताइएगा, शिकायतें खत्म हो गई या कुछ खिलाया पिलाया? इन्होंने कुछ नहीं खिलाया। आप इनके लिए कुछ कह दें? बहुत अच्छे हैं। और मजा आया? हाँ बहुत, अब मेरी बेटी आएगी जब भी लेके आऊंगी मैं। अच्छा अंकल, आंटी ने तो बहुत एंजॉय किया, इसके अलावा बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है जो बहुत एंजॉय करी है, सेल्फीज भी चल रही हैं और इसके अलावा गवर्नर हाउस में कमर्शियल सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं। बड़ों के लिए 100 रुपये टिकट मुकर्रर की गई है शटल बस सर्विस की, जबकि छोटे बच्चों के लिए 50 रुपये टिकट में वो शटल बस सर्विस के जरिए पूरा गवर्नर हाउस फिर सकते हैं। और 5 नई शटल बसेस भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका आज इफ्तिताह हुआ और वो आज से चल रही हैं। जी दुआ मिर्जा हमें अपडेट करी थी लाहौर से।